Hello everyone, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Moxzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CAT 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss one very important question as a part of our booster series for CAT. So guys, CAT को अब एक महीने रह गया और ये एक महीना काफी crucial है, ठीक है? तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ उसके बाद, जहाँ मैं बताऊंगा कि आप एक महीने में कैसे रिविजन कर सकते हो अपना, वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये वाला क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि टफ है, बट एक्चुअली टफ क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ कैट लेवल का है, मतलब कैट में आराम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? जिसको जिसने सिक्वेंस एंड सीरीज अच्छे से पढ़ा हुआ है, आराम से कर लेगा क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो गाइस ये वाला वीडियो आप ये वाला क्वेश्चन आप पॉज करके ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलो गाइस डिस्कस कर लेते हैं इसको। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आता है, काफी लोग हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीटा स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीटा कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीटा नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस यहां पे क्या बोला गया, इफ 1³ + t₁ + 2³ + t₂ से लेकर ये जा रहा है n³ + tn, इनका सम दिया हुआ है n² ((n+1)) / (n+6)/4, ठीक है? ये सीरीज है 1³, 2³, 3³ और ये t₁ t₂ अलग चल रही है, और हमको सबका समेशन दिया गया है n² ((n+6)/4). हमको निकालना है फाइंड द टेंथ टर्म, t₁० निकालना है। तो गाइस इसको आप रीराइट कैसे कर सकते हो, आपको पता है कि ये आपका 1³ है, ये 2³ है, ये 3³ है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1³ + 2³ + 3³ से लेकर ये n³ तक, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सब कुछ एडिशन में, प्लस t₁ t₂ को एक साथ कर लो आप, ये क्या हो गया t₁ + t₂ + t₃ से लेकर tn तक, ठीक है? ये आपका हो गया, ये आपको दिया गया है n² ((n+6)/4), ये आपको दिया गया है। अब आपको इसका समेशन बताइए, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का समेशन क्या होता है, n(n+1)/2 का स्क्वायर, ठीक है? ये होता है ना इसका समेशन, सबको पता हुआ है तो, ठीक है? तो गाइस ये आपका ये समेशन हो गया प्लस, अब गाइस ये है क्या एक्चुअली, ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ tn, ठीक है? मतलब t₁ t₂ से लेकर ये अगर tn तक आप ऐड कर रहे हो, तो फर्स्ट टर्म का t₁ मान रहे हो, सेकंड टर्म t₂ मान रहे हो, तो आपका n टर्म्स का सम है ना ये पूरा, अगर इसको देखें तो हम n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं n के फॉर्म में, कैसे? ये आपको यहाँ पे आपने लिख दिया इसको इतना, और इसको आप मान लो एक तरह से इसको sn कर लो आप, sn ऐसे लिख दो। ये sn क्या है, ये sn पूरा समेशन है आपका फर्स्ट tn टर्म्स तक का समेशन, ठीक है? ये आपका हो गया n² ((n+6)/4), इसको आप ऐसे लिख सकते हो sn² ((n²)) ((n+6)/4) -n(n+1)/2 का स्क्वायर, ठीक है? वैसे आपके पास समेशन आ गया फर्स्ट एन टर्म्स का ये, पर आपको टी निकालना है t₁० तो आपको एक चीज पता होगी, कभी भी अगर आपको एस एन दिया हो और आपको टी एन निकालना हो तो क्या करते हो, sn - sn-1, मतलब कि अगर आपको सम दिया है मान लो, ठीक है, आपको सम दिया गया है पूरा, तो आपको अगर t₁० निकालना है तो क्या करोगे, सम टिल 10 टर्म्स माइनस सम टिल 9 टर्म्स, ये तो करोगे आप, तो आपको 10th टर्म मिल जाएगा t₁० जैसे कि आपका 1, 2, 3 नंबर है t, आपको s₃ दिया गया, सम ऑफ 3 टर्म्स दिया गया है, ये कितना आएगा 6, आपको बोला कि 3rd टर्म बताओ, तो क्या करोगे आप, ये s₂ निकाल लो, 3 s₃ माइनस s₂ जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मतलब तीनों टर्म्स का सम माइनस दो टर्म्स का सम, तो जो बचा है वो क्या है, 3rd टर्म आया ना ये, बस यहाँ पे ये चीज है कि अगर आपको t₁० निकालना है तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल द 10 टर्म्स माइनस समेशन ऑफ ऑल द 9 टर्म्स। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ये, कि कभी भी आपको sn दिया हो, आपको tn निकालना हो, तो ये होता है sn - sn-1, sn तो आपका यही है, ठीक है? आपको बस tn निकालना है, आपको sn - 1 निकालना है, sn - sn-1 कर दो आप, ठीक है? तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा s₁० कितना आ जाएगा, s₁० आपका आ जाएगा, s₁० निकालो, s₁० निकाल दो, माइनस कर दो, 100 × 10 + 6/4 - 10 × 11/2 का स्क्वायर, ये 16, ये अब क्या आ गया 400 - 55 का स्क्वायर, ये आपका आ गया s₁० ठीक है, s₁० आपका ये आ गया।
एस नाइन क्या आ जाएगा, एस नाइन के लिए आप कर दो 81 × 15/4, ठीक है, माइनस 9 × 10/2 का स्क्वायर, ये एस नाइन आ गया, ठीक है। बस अब वो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बस। तो बस S10 − S9 करोगे तो T10 क्या आ जाएगा, T10 आ जाएगा आपका S10 − S9। तो बस S10 निकाल दिया आपने और S9 आपको ये मिल गया, S10 तो आपको 10th ना मिल जाएगा, T10 सॉल्व करोगे आ जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं इसमें आपको बस, ठीक है, सॉल्व ही करना है मेरे लिए, ठीक है। सॉल्व तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेन कंसेप्ट था, ठीक है। तो गाइस ये वही चीज है, SN क्या होता है, TN क्या होता है, SN − SN − 1। SN मेरा S10 है और SN- मेरा S9 है। तो आप कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप एंड में मत करो कुछ, आप सीधे वैल्यू रखो 10, आपको तुरंत आंसर आएगा। अगर आप ये सोचोगे कि भाई हम TN निकाल ले एन के टर्म्स में, SN निकालोगे फिर SN − 1 निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे, तो ये सब बड़ा काम मत करना, सीधे वैल्यू रखो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था, कैलकुलेशन में बहुत टफ नहीं होगी, हो जाएगा आराम से, ठीक है। बस ये कि बहुत बड़ा उसको मतलब वो मत करना कि पूरा पहले एक्सपेंड कर रहे हो फिर आप कर रहे हो बैठ के, डायरेक्टली माइनस कर दो, कुछ कट जाएगा इसका, फिर आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। जैसे कि 400 − 55 का स्क्वायर माइनस 81 × 15/4 प्लस ये आपका हो जाएगा 45 का स्क्वायर। तो बस 55 स्क्वायर और 45 स्क्वायर में आप सॉल्व कर लो, बाकी इन दोनों को सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई गेस क्लियर हुआ होगा, कुछ लोग को आता होगा ऑब्वियस बात है, बट रिविजन वाली बात है। तो गाइस ढंग से पढ़ो, वैरायटी पे काम करो, मैं आपको एक टिप दूंगा कैट निकालने की, कैट में जो पॉइंट्स का लेवल होता है जनरली ऐसे क्वेश्चन देगा कैट जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगे, तो आप नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज वाले क्वेश्चन करो, फंक्शंस करो, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज एक्स कैन टेक, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करो और कोई चीज छोड़ के मत जाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह भी करो, ज्योमेट्री रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। जो आपने मॉक्स लिए हैं मॉक्स रिवाइज करो, जो आपने क्लासेस ली हैं आई गेस आपने क्लास जो भी ली होंगी उसके भी नोट्स बनाए होंगे, उसको रिविजन करते रहो अच्छे से, हो जाएगा आपका बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज थी, बाकी गाइस दोस लुकिंग फॉर डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर नॉन कैट एग्जाम्स, यू कैन चेक आउट अवर स्नैप का क्रैश कोर्स, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड कोर्स है, हम लोग इसमें आपको दे रहे हैं पूरा एलमैट स्नैप का कोर्स का पोर्टल का एक्सेस, यहाँ पे हमने पूरी बेसिक्स लेकर एडवांस सारी क्लास करी हुई है, बहुत ज्यादा डिटेल में करी है, जैसे PNC प्रोबेबिलिटी मिला के 10 क्लास हुई है, नंबर सी 8 से 9 क्लास हुई है, ठीक है, ऐसे करके ये चीज कवर्ड है, ज्योमेट्री अराउंड 12 क्लास हुई है, ठीक है। तो गाइज ये आपको मिलेगा ही मिलेगा सारी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, उसके अलावा हम लोग 8 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं नॉन कैट की लाइव क्लास वाली सीरीज, जहाँ पे हम लोग नॉन कैट के एग्जाम्स के पेपर्स डिस्कस करेंगे, स्नैप सीमैट SRCC टेस्ट और जितने भी एग्जाम्स हैं, तो सर आपको वैरायटी पता चलेगी कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये चलता रहेगा एग्जाम तक, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें, प्लस 15 फुल लेंथ स्नैप मॉक्स और 300+ टॉपिक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, 125 कॉन्स के, बाकी 150 ईच फॉर VA, LR and DI, सबको बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस्ट की बहुत कम है 3500, अगर आपको इसे कुछ मॉडिफाई कराना हो, आपको कुछ और मॉक्स लेने, तो आप ऐड करके कर सकते हो, यू कैन पिंग मी, काफी ज्यादा डिमांड है गाइस, 2 दिन में 15 लोग अराउंड एनरोल कर चुके हैं इसमें, और लक ये बात तो पक्की है, अगर लक की करोगे इसको आप फॉलो तो आपका निकल जाएगा एग्जाम, बिकॉज हम लोगों ने कोई वैरायटी छोड़ी ही नहीं इसमें, ठीक है। अगर आपको मॉक्स देखने हैं यू कैन चेक आउट द मॉक्स, काफी रिलेवेंट है, क्लोजेस्ट मॉक है स्नैप एंड मैट बाकी एग्जाम्स के, आप कॉम्बो बैक्स देख सकते हो उस तरह के, Pick any 3, Pick any 4 आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ये नंबर है मेरा, और मॉक्स में जा सकते हो आप।